सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज यहाँ गुफा में बैठे हैं, नदी के किनारे आए थे पाठ पढ़ने के लिए रामायण वाली कक्षा के लिए, लेकिन अभी धूप हो गई तो वहाँ बाहर बैठ सकते नहीं है किनारे के ऊपर। तो किनारे के ऊपर पत्थर के नीचे जो थोड़ी सी छांव है उसमें बैठ करके आज रामायण की चर्चा करेंगे। तो हो सकता है आपको लाइट शायद कम दिखे क्योंकि यहाँ स्टूडियो जैसी लाइटें तो हैं नहीं, लेकिन यहाँ आत्मा की लाइट पूरी है। और जो यहाँ पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जा रहा है, जो नारद जी सनत कुमार जी को सुना रहे हैं, उसमें पूरी लाइट है। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। कलम पढ़ रहे थे कि रामायण पढ़ते समय या रामायण को सुनते समय विधि क्या है, कैसे उसको सुनना चाहिए, उसको सुनने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। तो कल बताया था हमें कि स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, मन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जो ये पुस्तक में लिखा है, यहाँ तक कि इस पुस्तक के प्रति भी जो भावना है वो ऐसी होनी चाहिए कि ये केवल शब्द नहीं है बल्कि ये वो परम ज्ञान है जो मेरा उद्धार कर सकता है, ऐसी भावना होनी चाहिए इसके प्रति। तो और उसमें क्या होना चाहिए विधि, क्योंकि विधि के बिना, जैसे योग में भी श्रद्धे स्वामी जी महाराज हमें योग रोज बताते हैं कि योग यदि विधान के बिना किया जाएगा तो फिर परिणाम नहीं लाएगा। तो एक होता है विधि, एक होता है फिर समय। ठीक विधि से कर रहे हैं लेकिन पर्याप्त समय तक नहीं कर रहे हैं यदि, तो भी परिणाम नहीं आएगा। तो हमारी विधि भी ठीक होनी चाहिए, हमारा टाइमिंग भी ठीक होना चाहिए और हमारी भावना भी ठीक होनी चाहिए। इसी को यहाँ कहा भक्ति भाव। आप बिल्कुल ठीक विधि से कर रहे हैं, विधि विधान बाहर से बिल्कुल थोड़ा भी आप चूक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में श्रद्धा की भावना यदि नहीं है तो भी परिणाम नहीं आएगा। और आप पूरे विधि विधान से भी कर रहे हैं, मन भी पूरा प्रसन्न है, लेकिन 5-7 मिनट करके फिर आप हट जाते हैं तो परिणाम पूरा नहीं आएगा। 5-7 मिनट का तो आएगा, जितना किया उतना तो आएगा, उतना तो नहीं उसको कोई रोक सकता है, लेकिन जितना आप चाहते थे उतना नहीं आएगा। तो उसके लिए पर्याप्त समय देना होता है। तो मैं कई बार उदाहरण देती हूँ कि जैसे किसी माँ को अपने बच्चे का मुंह देखना है तो उसको गर्भ में 9 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। अगर वो 4-5 महीने में ही देखना चाहे तो दिखेगा, लेकिन वो एक मांस का पिंड दिखाई देगा, पुत्र दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए तो उसको जितना पर्याप्त समय इंतजार करना पड़ता है उसके बाद वो भी दिखाई देगा। तो यहाँ विधि में क्या क्या आवश्यक है वो हम कल पढ़ रहे थे, इसको आगे पढ़ रहे हैं। नित्यं देवार्चनं कृत्वा पश्चात् संकल्प पूर्वकं रामायण पुस्तकं च अर्चयेत् भक्तिभावत आवाहनासनाद्यैश्च गंधपुष्पादिभिव्रती
ओम नमो नारायणाय इति पूजयेत् भक्ति तत्परं एकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्वपापनिवर्तये एवं यः प्रयतः कुर्यात् रामायणविधिं तथा स याति विष्णुभवनं पुनरावृत्तिर्दुर्लभम् रामायणव्रतधरो धर्मकारी च सत्तमः चाण्डालं पतितं वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चयेत्। तो जो इसमें सामग्री हम प्रयुक्त करते हैं, आह्वान करना, आसन, गंध, पुष्प, तो ये जो रामायण को सुनने का जो व्रती है, जिसने ये व्रत लिया है कि मैं रामायण को सुनाऊंगा या रामायण को सुनूंगा, दोनों ही ये व्रती, उन सब को ओम नमो नारायणा, ये सब भगवान के लिए समर्पित हैं और मैं स्वयं भी भगवान के लिए समर्पित हूँ। और इस भाव से मैं 9 दिन इस कथा अमृत का वाचन करूँगा और श्रवण करूँगा, ऐसा व्रत लेना चाहिए। एकवारम द्विवारम वा त्रिवारम वापि शक्तितः, और कह रहे हैं जब तक ये 9 दिन कथा चले तब तक या तो एक बार या तो 2 बार या तो 3 बार, और ये भी कम ही कहा, हो सके तो 9 के 9 दिन भी व्यक्ति को पहले हवन करना चाहिए। होमम कुर्यात् प्रयत्नेन, अब देखो यहाँ पर संस्कृत में भी इसका होम शब्द कहा है यहाँ पर, और एक अंग्रेजी में भी होम शब्द आता है HOME, उसका अर्थ होता है घर, और वहाँ एक शब्द आता है हाउस HOUSE, उसका अर्थ होता है मकान। तो कोई पूछे कि होम और हाउस में क्या अंतर है, तो व्यक्ति कहेंगे कि होम तो उसको कहते हैं जो अपना खुद का निजी होता है, जिसमें सारा घर परिवार रहता है स्थायी रूप से, और हाउस वो होते हैं जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, जैसे गेस्ट हाउस, जैसे रेस्ट हाउस, तो उनको हाउस कहते हैं, उसमें कोई स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। ये आज की परिभाषा है, लेकिन रामायण को देखें तो होम किसको कहते हैं? होम उसको कहते हैं जिसमें रोजाना अग्निहोत्र किया जाता है, वो है घर, होम उसको होम कहते हैं। और घर किसको कहते हैं संस्कृत में? घर उसको कहते हैं जिसमें गृहिणी रहती है, गृहिणी गृहम उच्यते, जिस जिस मकान में गृहिणी नहीं रहती है उसको घर नहीं कहते हैं। फिर ये शब्दों का भी कितना अलग अलग, शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा होमम, वो जो अग्निहोत्र उसको भी होम कहते हैं, वहाँ हु धातु है, हु दाना दनयो, हु धातु से होम शब्द बनता है, जिस क्रिया में दान और आदान छिपा हुआ है उसको होम कहते हैं। दान मतलब जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो हम देते हैं ना देवताओं को, घी देते हैं, सामग्री देते हैं और औषधियाँ देते हैं, वहाँ पर तरह तरह की सामग्री में औषधियाँ मिला करके आहुति देते हैं, और अपना समर्पण का भाव देते हैं, भक्ति भाव देते हैं। और आदान मतलब देवताओं का ये स्वभाव होता है कि कोई छोटा सा किसी ने दिया तो वो बदले में अनंत गुणा दे देते हैं। फिर तो वहाँ देना भी होता है लेना भी होता है। आपने अग्निदेव को 1 तोला घी दिया तो अग्निदेव उसको 10 तोला की शक्ति में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी अग्नि में शक्ति है। जितना हम देते हैं उससे सैकड़ों गुणा हजारों गुणा, ये सारी पृथ्वी में ही होम हो रहा है, अग्नि भी होम कर रही है, पृथ्वी भी होम कर रही है। जैसे अग्नि में डाला हुआ अग्नि 100 गुणा ज्यादा शक्तिशाली करके हमें वापस लौटा देती है, ये अग्नि का होम है। जैसे पृथ्वी में हम एक दाना देते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी उसके सैकड़ों दाने बना करके हमें वापस कर देती है, ये पृथ्वी का होम है, पृथ्वी का यज्ञ है ये। जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो जो वो पानी उस समय गिर रहा होता है और उस पानी के बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं,
वो उन सूर्य की किरणों का सैकड़ों गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये सूर्य का होम है और सूर्य इस सृष्टि से खराब खराब चीजों को अपनी धूप के द्वारा अवशोषित कर लेता है और जीवनदायिनी शक्ति पेड़ों को, पौधों को, वनस्पतियों को देता है। ये सूर्य का होम है। वायु का होम सारे जीवन का जो तारतम्य चल रहा है, ताना बाना, वो वायु पे ही है। वायु यदि एक क्षण के लिए भी बंद हो जाए, सूर्य के बिना एक क्षण रह सकते हैं, हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये हवा भी होम कर रही है, ये भी हमें दे रही है। तो ये सारी सृष्टि में होम हो रहा है। तो यहाँ पर कहा कि जब रामायण पढ़ते हैं तो 9 दिन के अंदर कम से कम 3 बार होम करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि इन्होंने तो कहा एक बार स्टार्टिंग में, एक बार लास्ट में, एक बार बीच में कम से कम कर लें। और मुझे ऐसे लगता है कि 3 दिन नहीं, 9 के 9 दिन होम होना चाहिए। पहले हवन करें यहाँ वहाँ बैठने वाले लोग, और उसके बाद रामायण का पाठ करें। एवं यह प्रयतः कुर्यात् रामायण विधिम तथा स याति विष्णु भवनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। तो कह रहे हैं इस प्रकार, एवं यह प्रयतः कुर्यात्, इस प्रकार प्रयास करता हुआ व्यक्ति जो रामायण विधिम तथा रामायण की विधि का आश्रय लेते हुए रामायण की कथा को कहता है या सुनता है, तो से विष्णु भवनम याति, वो सीधा विष्णु के भवन में जाता है। अब विष्णु का भवन कहाँ है और विष्णु कहाँ है? विष्णु तो जो सर्वव्यापक है उसको कहते हैं, और उसका भवन ये सारा संसार है। तो वो संसार में जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ उसको ब्रह्म की अनुभूति होगी। विष्णु के भवन में तो हम सब भी बैठे हैं, लेकिन हमें उस भवन की अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन वो जो रामायण परायण व्यक्ति है, वो जहाँ कहीं भी जाएगा उसको विष्णु के ही भवन की अनुभूति होगी। इसलिए कहा स याति विष्णु भवनम पुनरावृत्ति दुर्लभम, और वहाँ से फिर वापस आना दुर्लभ है, फिर वहाँ से वापस नहीं आया जा सकता है। जो इतने ऊंचे पद को, इतने ऊंचे स्थान को प्राप्त कर जाएगा, वो भला वापस क्यों आएगा? एक व्यक्ति एक झोपड़ी से उठ करके, और जब कोई बड़े महल को बना लेगा और जिसमें सारे सुख हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, तो फिर वो व्यक्ति भला उस झोपड़ी में आके क्यों रहने लगेगा? एक एक दृष्टि से तो रह सकता है यदि उस महल में उसको सुख मिलना बंद हो गया हो, लेकिन वहां सुख भी अनंत है, तब क्या वो व्यक्ति वापस आएगा? कदापि नहीं आएगा। तो भगवान के धाम में पहुंचने के बाद वापस आना दुर्लभ है, कभी भी नहीं आएगा फिर वो व्यक्ति। रामायण व्रत धरो धर्मकारी च सत्तम चांडालं पतितं वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चयेत्। कह रहे हैं इस व्रत को धारण करने वाला जो मनुष्य है, वो कैसा भी हो, रामायण व्रत धरह धर्मकारी च सत्तमा, वो धर्मकारी, धर्म करने वाला, और सत्तमा माने उत्तम, सात्विक बुद्धि वाला, चांडालम पतितम वापी, भले ही वह चांडाल या पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। चांडालम पतितम वापी, वस्त्र अन्नेन अपि न अर्चयेत, वस्त्र और अन्न से भी उसका अर्चन ना करे। कहना ये चाह रहे हैं कि जो दान दिया जाता है, क्योंकि रामायण आदि का पाठ करने के बाद दान देने का विधान है, तो कह रहे हैं कि अब आपने तो पूरे भक्ति भाव से रामायण का पाठ किया और रामायण का पाठ सुना, लेकिन अगर आप ये सारा अनुष्ठान करने के बाद जब दान देने की बारी आई, तो उस समय यदि आप किसी चांडाल को दान दे देते हैं, कोई अन्न दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, तो फिर वो आपका किया हुआ जो है ना वो दूषित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दान भी किसी श्रेष्ठ को ही देना चाहिए जो दान का पात्र है।
क्योंकि कुपात्र में गया हुआ जो दान है वो फिर दान रूप नहीं रह जाता है, फिर उसका क्षय हो जाता है। ये बात गीता में भी आई है कि सुपात्र को दान देना चाहिए, ऐसी आई है। क्योंकि और ये बात योग दर्शन में भी है, कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्व का हिंसादय जो जो वितर्क हैं वो तीन प्रकार के पाप या पुण्य बताए हैं वहाँ पर। कृत कारित अनुमोदित, जो हम करते हैं वो पुण्य, जो हम दूसरे से करवाते हैं वो पुण्य, उसको कारित कहते हैं। और कोई दूसरा कर ही रहा था, हम उसका अनुमोदन कर देते हैं तो उसको कहेंगे अनुमोदित। तो कृत कारित अनुमोदित, उन तीनों का ही फल हमें मिलता है। तो यहाँ यदि हम पुण्य कर्म करके और किसी दूसरे कुपात्र को दान दे देते हैं, और मान लीजिए वो उस दान से कुछ बुरा कर्म कर लेता है, तो उस बुरे कर्म को करवाने में हम भी सहयोगी माने जाएंगे, तो हमें भी उसका फल मिलेगा। तो हम चले तो थे अच्छा फल लेने के लिए और हमें मिल जाएगा उल्टा कर्म। तो फिर कोई पूछ सकता है कि जी जो दीन दुखी हैं तो क्या उनसे फिर घृणा करनी चाहिए, उनको दान नहीं देना चाहिए क्या? दान देना चाहिए, लेकिन उस दान का बस ये ध्यान रखें कि वो कोई मिस यूज ना करे, कोई गलत काम ना करे। अगर उस दान से वो अपना अन्न जल आदि खा के निर्वाह करता है और उसको खा करके कोई अच्छा काम करता है, कोई मेहनत मजदूरी का काम करता है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करता है, उनका पेट भरने का काम करता है, तो वो ठीक है। अगर वो हमारे दान को लेकर के कहीं शराब के ठेके पे जाके शराब पीता है, फिर शराब के नशे में वो किसी की बहन बेटी को बुरी दृष्टि से देखता है, तो ये तो फिर पाप हो गया, तो उसमें हम भी भागी बनेंगे, यही कह रहे हैं। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनान अपि रामायण व्रत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत। तो पीछे वाले श्लोक में कहा चांडालम पतितम वापि, चांडाल को या पतित व्यक्ति को। अब ये चांडाल और पतित कौन है, किसको चांडाल कहें और किसको पतित कहें? पतित वही है जो अपनी आत्मा के गुणों से नीचे गिर गया है, जिसका पतन हो गया है, उसको पतित कहेंगे। तो इसमें और ज्यादा थोड़ा सा इन्होंने स्पष्ट कर दिया अगले श्लोक में, नास्तिकान भिन्न मर्यादान, जो व्यक्ति नास्तिक है, नास्तिक मतलब जिसकी भगवान में आस्था नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है, जितने भी गलत काम होते हैं वो भगवान की उपस्थिति को न मानने से ही संसार में घटित होते हैं। अगर व्यक्ति को ये पूरा विश्वास हो कि यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, जैसे मेरे को मालूम है कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ कुछ भी अभी अपशब्द नहीं बोल सकती हूँ, ऐसे ही जिस व्यक्ति को ये पूरा विश्वास हो कि मैं कहीं भी, चाहे घर के अंदर 7 ताले के अंदर भी बंद क्यों ना हूँ, चाहे मैं कहीं जंगल बियाबान में एकांत में भी क्यों ना हूँ, और चाहे मैं कहीं समुद्र में नीचे कहीं वो समुद्र की जहाज में क्यों ना बैठा हूँ, कहीं भी हूँ, मैं पहाड़ की गुफा में हूँ, हर जगह ईश्वर का सीसी कैमरा मेरे ऊपर फोकस है, मुझे वो देख रहा है। तो क्या कोई गलत काम हो सकता है? क्योंकि गलत काम करने के लिए व्यक्ति एकांत को ढूंढता है। जैसे किसी को किसी का मर्डर करना होता है तो क्या करते हैं, पहले किडनैप करते हैं किसी बच्चे को या बड़े को जिसको मारना है, फिर उसको कहीं ऐसे जंगल बियाबान में एकांत स्थान में ले जाते हैं जहाँ कोई नहीं देख रहा हो। तो वहाँ कोई मनुष्य तो नहीं देख रहा होता है, लेकिन कोई एक है वो देख रहा होता है, और उसको वो नहीं देखते हैं, उनको वो इतने नादान होते हैं, वो उनको लगता है कि हमें तो कोई भी नहीं देख रहा। अगर और कोई देख लेता तो शायद इतना खतरा नहीं था, क्योंकि वो उनके हाथ में दंड देना नहीं है, लेकिन जो देख रहा है वो बड़ा बलवान है, वो बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा स्ट्रोंग है, वो बहुत बड़ा दंड देगा। और उसका जो दंडा है ना, वो ऐसा होता है कि उसकी चोट लगते हुए पता भी नहीं चलता है और व्यक्ति टूट जाता है, और दंडा भी नहीं दिखता है, और कोई आवाज भी नहीं करता है वो दंडा, इतना उसका कठोर दंड है।
तो व्यक्ति उसको भूल जाता है, इसलिए वो अनेक अनेक प्रकार के कर्म करता है। तो जितने भी संसार में बुरे कर्म होते हैं वो इस नादानी के कारण होते हैं कि वो व्यक्ति नास्तिक होता है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसको नहीं पता है ये कि ईश्वर मुझे देख रहा है। और यहाँ तक कि इसमें कोई धर्म पंथ संप्रदाय ऐसा नहीं है जो ईश्वर को मानते हैं, जो यज्ञ भी कर लेते हैं, जो धर्म का उपदेश भी देते हैं, और जो बड़े बड़े संस्थान संस्थाएं सब चलाते हैं, वो व्यक्ति भी ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई व्यक्ति भाई ये ईश्वर को मानता है ये नहीं मानता है, क्योंकि इन्होंने तो जनेऊ भी पहन रखा है, इन्होंने तो तिलक भी लगा रखा है, इसलिए ये ईश्वर को मानते हैं, ये तो मंदिर भी जाते हैं गुरुद्वारे भी जाते हैं, ये तो ईश्वर को मानते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जाने वाले भी कर देते हैं, इसका मतलब वो अंदर से नहीं मानते, बाहर से केवल उन्होंने वो रिचुअल्स को मान रखा है, बस ईश्वर को नहीं मान रखा है। ईश्वर को यदि व्यक्ति मान ले, मानेगा तब जब उसको जानेगा, जब हम उसको जानते नहीं तो मानेंगे कैसे। तो ये जो दूसरे का बताया हुआ जो विश्वास है ना, ये तो कभी तो काम करता है अपनी सहूलियत के अनुसार, कभी काम नहीं करता है। तो इसलिए कभी हम अपनी सहूलियत के अनुसार मान लेते हैं कि हाँ ईश्वर है और वो देगा फल, और कभी हम उसको नकार देते हैं। तो यहाँ पर नास्तिक का मतलब है कि यहाँ आस्तिक उसको नहीं कहेंगे कि जो धर्म अनुष्ठान करते हैं वो सब आस्तिक हैं, नहीं, जो प्रतिपल भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं कि मुझे कोई देख रहा है, कोई जान रहा है, कोई सुन रहा है, और उसका कर्म फल व्यवस्था बिल्कुल अटल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ऐसा जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास से अपने जीवन में उसको धारण करके ऐसे जीता है, वो आस्तिक है, भले ही वो बाहर से कोई एक भी कर्मकांड ना करता हो। और वो व्यक्ति नास्तिक है जो ईश्वर को महसूस नहीं करता है हर कर्म में, हर क्रिया में, हर जगह, तो वो व्यक्ति नास्तिक है, भले ही वो कितने भी कर्मकांड भी क्यों ना करता हो। तो यहाँ क्या बताया कि एक तो नास्तिक को दान नहीं देना चाहिए, नास्तिकान न अर्चयेत, उनका आदर न करे, जो रामायण का पुजारी है, जो रामायण का भक्त है, वो व्यक्ति नास्तिकों को वांग मात्रेण अपि, कोई चीज देना तो बहुत दूर की बात है, वाणी से भी उनका सम्मान ना करे। माने वाणी से भी अगर हम अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, जो पूजनीय नहीं है, और उनके लिए हम ऐसे बड़े बड़े शब्द यदि बोल देते हैं, तो इसका भी रामायण में निषेध किया है, क्योंकि उससे एक असत्य को ही हम एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि ये व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित नहीं, इतना प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन तो भी जब हम मंच पे बोलते हैं तो हम उसके लिए बड़े बड़े संबोधन कर देते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे शब्दों का विशेषण उसके साथ लगा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, वाणी मात्र से भी उनका अर्चन नहीं करना चाहिए। अर्चन नहीं करना चाहिए तो क्या तिरस्कार करना चाहिए? ऐसा भी नहीं कहा, तिरस्कार करेंगे तो हमारा पाप बढ़ जाएगा, और हम उनका अर्चन करेंगे तो भी हमारा पाप बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसे लोगों के प्रति कैसा रवैया रखें, तो उनके प्रति उदासीन रहने के लिए महर्षि पतंजलि बताते हैं। फिर आगे बताया भिन्न मर्यादान, भिन्न मर्यादान वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, जिन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा है, कोई मर्यादा भगवान ने बनाई है, कुछ मर्यादाएं देश के संविधान ने बनाई हैं, कुछ मर्यादाएं भगवान ने बनाई हैं, हमारा अंतर आत्मा में बैठा हुआ जो भगवान है वो हमें बताता है कि ये गलत है। तो तीनों ही प्रकार की मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, जो देश का संविधान है उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए, उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और जो भगवान की मर्यादाएं हैं इस संसार में सब जगह, उसके जो रीत नियम काम कर रहे हैं उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए, और जो अपनी आत्मा की जो मर्यादाएं हैं, एक देश का अनुशासन, भगवान का अनुशासन, आत्म अनुशासन, राष्ट्र अनुशासन, ईश्वर अनुशासन,
आत्म अनुशासन, ईश्वर का अनुशासन है वेद। वेद में जैसा कहा है उसको तोड़ना, तो ये ईश्वर के विधान को तोड़ना है, उसके रीत नियमों को तोड़ना। नियम तो क्या टूटेंगे, वेद तो क्या टूटेगा, हम टूट जाएंगे। सत्य का नाश नहीं होता है, सत्य हमारा नाश कर देता है जब हम सत्य का नाश करने की बात सोचते हैं। ऐसे ही जब हम देश का विधान तोड़ते हैं तो देश तो नहीं टूटेगा, हम टूट जाएंगे। और अपनी आत्मा का आत्म मर्यादा, आत्म अनुशासन, जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं, आत्मा का हनन करते हैं, तो आत्मा का तो क्या हनन होगा, आत्मा का तो स्वरूप ही अविनाशी है। हम अपने जीवन का ही हनन कर लेते हैं, अपनी खुशियों का हनन कर लेते हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा का हनन कर लेते हैं। हम सुख नहीं पाएंगे यदि हमने आत्मा की आवाज़ का हनन किया तो इसलिए यहाँ पर शब्द इन्होंने प्रयोग किया रामायण में, भिन्न मर्यादान न अर्चयित, वांग मात्रेण अपि न अर्चयित, वाणी मात्र से भी ऐसे लोगों का सम्मान न करें। निंदकान वांग मात्रेण न अर्चयित, जिनकी आदत होती है निंदा करने की, उनको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, बैठेंगे और किसी न किसी व्यक्ति का जिक्र ले आएंगे और फिर उसकी निंदा करनी शुरू कर देंगे। उसका कोई गुण उनको दिखाई नहीं देता है, निंदा ही निंदा उनको दिखाई देती है। तो कहा निंदकान वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, ऐसे जो निंदक है ना उनको वाणी मात्र से भी, वो अच्छे नहीं होते हैं निंदक, वाणी मात्र से भी उनका अर्चन नहीं करना चाहिए। और पिशुनान अपि, निंदा करने वाले और चुगलखोर, चुगली करने वाले, निंदक तो वो होते हैं कि जो कभी कभी सामने भी उनके बारे में ऐसे बोल देते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, उसको कहते हैं निंदक। और चुगलखोर ऐसे होते हैं, पिशुन ऐसे होते हैं जो सामने तो मीठी मीठी बात करते हैं लेकिन पीछे से उसके दुर्गुणों की चर्चा करते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। निंदक कम से कम जो कह रहा है तो वो अगले व्यक्ति को ये एहसास तो है कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन जो पिशुन है वो तो इतना खतरनाक है कि वो सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीछे से काम कर देता है। तो इनको रामायण व्रत परो वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, जो रामायण व्रत को धारण करने वाला है इन ऊपर वाले व्यक्तियों का वाणी मात्र से भी उनका सम्मान न करे, न अर्चयेत। तो ये भी विधि में ही आता है। तो दान देने के लिए भी फिर दान के पात्रों को ढूंढना पड़ता है कि दान किसको दें। कुंडा शिनम गायकम च तथा देवलकाशनम भिषजम काव्यकर्तारम देवद्विज विरोधिनम परान नलोलुपम चैव परस्त्री निरतम तथा रामायण व्रत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत। और भी बढ़ा रहे हैं।